अगर आप कूलेंट की जगह पानी यूज़ करोगे तो कार में जो है कूलेंट में इंजन ऑयल मिक्स होने का प्रॉब्लम आएगा ही। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की स्टूडियो में शैवलेट के एक मेजर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको शैवलेट बिट का कोई भी पार्ट हो, चाहे वो इंटीरियर का हो, चाहे वो एक्सटीरियर का हो, चाहे वो इंजन का हो, चाहे फ्यूल सिस्टम का हो, आपको जो है लोकल शॉप पे अवेलेबल नहीं हो पा रहे और आपको जो है वो पार्ट खरीदना है, तो गाइस मैं बता सकता हूं कि शैवलेट बिट का जो एक एक पार्ट जो है वो ऑनलाइन आपको जो है ऑर्डर करने पर मिल सकता है, वो आपको जो ऑनलाइन इजिली जो है डिलीवर हो सकता है। अगर आपको वीडियो चाहिए कि आप कैसे जो है शैवलेट बिट का एक एक पार्ट जो है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बना दूंगा कि आप कैसे जो घर बैठे शैवलेट का कोई भी ओरिजिनल पार्ट जो है आप मंगा सकते हो। सो गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं इस तरह की नई नई वीडियोस लाता हूँ। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अपने गाड़ी में जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा था जिसके बारे में बात कर रहा था, तो गाइस वो है कि अपने गाड़ी का जो अपना जो कूलेंट बॉक्स है जिसमें अपना सिर्फ कूलेंट डाला रहना चाहिए, उसमें जो है अपने गाड़ी में जो है इंजन ऑयल मिक्स हो रहा है। तो गाइस इंजन ऑयल मिक्स होना कोई छोटी बात नहीं है, ये मैक्सिमम प्रॉब्लम है और ये मेजर प्रॉब्लम है जो कि अपने गाड़ी में आना स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं गाइस कूलेंट बॉक्स के अंदर कूलेंट के साथ साथ आपको जो है हल्का हल्का जो है ऑयल भी दिख रहा होगा इंजन ऑयल। तो गाइस बेसिकली जो है प्रॉब्लम का अभी जो स्टार्टिंग फेज है, धीरे धीरे प्रॉब्लम जो है बढ़ सकता है। इस प्रॉब्लम से ये होगा कि हमारा जो कूलेंट है वो कूलेंट बॉक्स से सिर्फ कूलेंट नहीं, साथ साथ जो इंजन ऑयल भी आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि जैसे कि हमारे जो कूलेंट बॉक्स से इंजन ऑयल आ रहा है, तो हो सकता है कि हमारे इंजन में जो है ये कूलेंट जाके मिल जाए। तो अगर इंजन में अगर ये कूलेंट चले जाता है तो क्या होगा, अपना इंजन जो है टोटली जो है डैमेज कर देगा। और ये जो अपना कूलेंट है वो जो है रेडिएटर के थ्रू घूमता है, अगर रेडिएटर में चले गया तो हो सकता है कि हमारा रेडिएटर भी चोक हो जाए। मैं बता दूँ कि ये प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या खराब होने के कारण जो है प्रॉब्लम आता है। तो गाइस गाड़ी में अगर आपकी गाड़ी में जो ऑयल मिक्स हो रहा है, हो सकता है कि आपकी गाड़ी में जो है ये अपना इंजन का जो ऑयल डालते हैं ना, वो ऑयल फिल्टर असेंबली, हो सकता है कि ऑयल फिल्टर असेंबली खराब हो या तो आपकी गाड़ी का जो हेड गैस्केट खराब हो। ये दोनों में से कोई भी अगर आपकी गाड़ी में एक चीज़ खराब है तो ये जो प्रॉब्लम है जो है कूलेंट ऑयल मिक्स होने का प्रॉब्लम जो है आता है। तो बस आज की वीडियो में बताऊंगा कि पहले हम चेक करेंगे कि अपनी गाड़ी में जो क्या खराब है, अपना गाड़ी का हेड गैस्केट खराब है या ऑयल फिल्टर असेंबली खराब है। क्योंकि डायरेक्टली चेंज करना ये सही नहीं है। मान लें मैंने जो है ऑयल फिल्टर असेंबली चेंज कर दिया और फिर पता चलता है कि प्रॉब्लम जो है हमारे हेड गैस्केट में, तो हमको जो है दोनों रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन गाइस अगर हम जो है पहले अपना जो है प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम किस में है, उसके बाद रिप्लेस करेंगे, तो हमारा प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले चेक करेंगे गाइस कि हमारा जो है हेड गैस्केट खराब कैसे है। तो गाइस गाड़ी का हेड गैस्केट जो है गाड़ी के ब्लॉक और हेड के बीच में लगा हुआ था। तो मैं बता दूँ कि कैसे चेक करना है कि हेड गैस्केट खराब है या नहीं। तो गाइस क्या करना है, सबसे पहले आपको जो अपना जो कूलेंट बॉक्स है इसका जो है जो ढक्कन है वो ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको जो है गाड़ी का सेल्फ ऑन करना, गाड़ी को ऑन करना है। इंजन ऑन करने के बाद गाइस आपको ये चेक करना है कि आपको जो कूलेंट बॉक्स में जो कूलेंट है वो उबल तो नहीं रहा, मतलब कि जो उबल के जो फेंकता है ना ऊपर, वो ऐसा फेंक तो नहीं रहा, नॉर्मल रहना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और जैसे मेरा गाड़ी जो बंद है और जो कूलेंट एकदम शांत है, वैसे ही जो कूलेंट शांत रहना चाहिए गाड़ी का इंजन ऑन करने के बाद। अगर गाड़ी का इंजन ऑन करने के बाद जो अपना कूलेंट जो ऊपर फेंक रहा है, समझ जाओ कि अपने गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो गाड़ी के हेड गैस्केट में, हेड गैस्केट जो है खराब होने के कारण जो है इंजन ऑयल और जो है कूलेंट मिक्स होने का प्रॉब्लम आता है। लेकिन गाइस मान लो आपने जो गाड़ी का इंजन ऑन कर दिया, इंजन ऑन करने के बाद भी जो आपका गाड़ी का जो कूलेंट ऐसे ही स्टेबल है, मतलब ऐसे ही स्टेबल रहना चाहिए, मतलब कि नॉर्मल रहना चाहिए कि उबलना नीचे। तो गाइस मान लो गाड़ी का जो कूलेंट है इंजन ऑन करने के बाद भी अगर वो उबल नहीं रहा है, तो समझ जाओ कि आपकी गाड़ी का जो हेड गैस्केट है वो बिल्कुल ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो दूसरा प्रॉब्लम जो मैं बताया वो है गाड़ी का ऑयल फिल्टर असेंबली। तो गाइस गाड़ी का ऑयल फिल्टर असेंबली में खराबी है, इसलिए जो हमारा गाड़ी के जो कूलेंट है उसमें जो है इंजन ऑयल मिक्स हो रहा है। तो गाइस अब हम लोगों ने ये तो क्लियर कर लिया कि हमारे गाड़ी का जो हेड गैस्केट बिल्कुल ओके है, तब हम क्या करेंगे इसका जो है ऑयल कूलेंट का जो है कैप जो है वो लगा देंगे। अब हम लोग को ये तो कंफर्म हो गया कि हमारी गाड़ी का हेड गैस्केट बिल्कुल ओके है। अब जो प्रॉब्लम है ऑयल मिक्स होने का, वो जो है हमारे गाड़ी के ऑयल फिल्टर असेंबली में है। तो गाइस अब बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्यों आता है, उसके बाद बताऊँगा कि आप ये पार्ट जो है कहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, उसको जो कैसे रिप्लेस करना है। वैसे जो प्रॉब्लम बेसिकली क्यों आता है मैं बताता हूँ। तो गाइस अपना जैसे कि मान लो कूलेंट है, कूलेंट में जो है कूलेंट बॉक्स में जो है मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पानी डाल के चला देते हैं। पानी डाल के चलाने से गाइस ये कुछ 4-5 महीने आपको जो है कि खराबी गाड़ी में नहीं करेगी। जैसे आप कुछ गाड़ी को लंबा चला दोगे ना, तो क्या होगा कि आपकी गाड़ी का जो कूलेंट है वो गाड़ी के पूरे इंजन में सर्कुलेट होता है, इंजन में सर्कुलेट होता है, उसके बाद रेडिएटर में सर्कुलेट होता है। समझ जाओ कि पानी जो है पूरा अपने इंजन में चलता है, और इंजन में चलने के बाद क्या होता है, कुछ साल 2 साल बाद अगर आप मैक्सिमम पानी यूज़ करते हो हमेशा, तो क्या होगा जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। और अंदर में जैसे ही जंग लगेगा तो क्या होता है, इंजन के अंदर जो है 2 लाइन होते हैं, एक अपना कूलेंट का लाइन और दूसरा होता है इंजन ऑयल का लाइन। तो क्या होता है गाइस अपना इंजन ऑयल लगा तो इंजन ऑयल में तो कभी भी जंग नहीं लगेगा, लेकिन जैसे हमारे इंजन के अंदर जो है पानी चल रहा है तो पानी में जो है मैक्सिमम जंग लगता है। तो पानी में जंग लगने के कारण क्या होगा, अपना जो पानी वाला जो लाइन है, कूलेंट वाला जो लाइन है वो जो है लीक कर जाएगा। और कूलेंट वाला जैसे ही लाइन लीक करेगा तो क्या होगा, इसमें जो है हमारा जो है लाइन जो अपना ऑयल वाली लाइन के साथ मिक्स हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको क्या करना, कभी भी जब आपको अपनी गाड़ी में जो है कूलेंट ही यूज़ करना है, कूलेंट यूज़ करोगे तो क्या होगा, ऐसा आपके प्रॉब्लम गाड़ी में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप जो पानी यूज़ कर रहे हो तो गाड़ी जो 1-1.5 लाख किलोमीटर में जो है आपका जो है ये प्रॉब्लम आने का चांस है। तो आपको जो हमेशा इसमें जो है कूलेंट यूज़ करना है, अगर आप कूलेंट यूज़ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में 101% ये प्रॉब्लम जो है आपकी गाड़ी में आएगा।
तो मैंने बता दिया कि प्रॉब्लम जो है कैसे चेक करना है। तो पहले आपको जो हेड गैस्केट चेक करना है, और मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे हेड गैस्केट चेक करता हूँ। आपका गाड़ी का मान लो हेड गैस्केट हो गया, समझ जाना कि गाड़ी का जो ऑयल फिल्टर असेंबली है उसमें प्रॉब्लम है। मैं फोटो लगा दूंगा तो आपको समझ में आ जाए कि ऑयल फिल्टर असेंबली एक्चुअली दिखता कैसे। अब मान लो आपको जो है ऑयल फिल्टर असेंबली से इसको कैसे ऑर्डर करना है, तो गाइस उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे जो है ये ऑयल फिल्टर असेंबली आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। तो गाइस मान लो आपने जो है ऑयल फिल्टर असेंबली रिप्लेस कर देना, आपका गाड़ी का जो प्रॉब्लम है इजीली एक बार जो है सॉल्व हो जाएगा। तो बस ऐसा ही होता है, आपको जो है स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है गाइस किस में प्रॉब्लम है। आपको जो बार बार अगर आप डायरेक्टली कोई भी चीज़ बदलोगे ना, समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम किस में। आप दो दो चीज़ बदलते जाओगे आपका पैसा जो है खर्च होते जाएगा। तो अपना ऑयल फिल्टर असेंबली आप देख सकते हैं जो लगा ना, ये अपना ये वाला जो असेंबली है। और इसका प्राइस की बात करूँगा इस, आपको जो है ओरिजिनल जीएम का 4000 रुपये में आपको जो है मिल जाएगा। तो समझ लो आपको जो है लोकल पार्ट मिल रहा है, तो लोकल जो आपको 2500-3000 रुपये के आसपास मिलेगा। और मान लो आपको जो ओरिजिनल लेना है जीएम का, तो आपको ये लगभग जो है 4000 रुपये में जो है मिल जाएगा। तो बस यही है, इसको रिप्लेस करने वाले आपकी गाड़ी का जो कूलेंट ऑयल मिक्सिंग होने का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस आज के टाइम बस इतना ही, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों शेयर करना, क्योंकि मैं सर की नई नई वीडियोज़ ला करता हूँ। थैंक यू।